नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। अभय मिश्रा रीवा पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया क्यों वो भाजपा में शामिल हुए थे, वापस कांग्रेस में क्यों आए। उन्होंने तमाम बातों को पत्रकारों के समक्ष विस्तार से बताया। उनका साफ तौर से कहना था भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखे में रखा था, उनको पार्ले जी बिस्किट खिला के पानी पिला के भाजपा वापस करना चाहती थी, लेकिन मैं दो बार का विधायक हूं, मैं राजनीति को बेहतर तरीके से समझता हूं। आइए आपको सुनाते अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अभय जी, एक बड़ा घटनाक्रम, ये हम देव स्थान पे बैठे हैं, पीछे देवी जी खड़ी, हम सबको देख रही, आप भी दिल से प्रश्न पूछेंगे और मैं भी दिल से जवाब दूंगा, दिमाग का उपयोग ना आप करेंगे ना हम करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से चला, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वापसी, ये किस तरह संभव पाया, किस क्या सोचा आपने कि अब ये स्टेप ले लेना चाहिए? मैं आपसे, मैंने बोला ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने जो चिट्ठी भी लिखी उसमें भी मैंने क्या लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि शिवराज जी ने मुझे टिकट देने का वादा कभी नहीं किया, मैंने उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या हुआ, मैं यहाँ पर था सर्वे में, मेरा नाम बहुत ऊपर था कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, मेरे कोई हितैषी नेता जो मुझे बहुत मानते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें भोपाल बुलाया और मुझे गाड़ी में बिठाए, बोले आइए एक जगह घूम के आते हैं, मुझे सीएम हाउस ले। जब मैं गेट के अंदर घुसा तो समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से बात शुरू हुई। 3 महीने अंदर अंदर ये बातें चलती रहीं, हम लोग सवा सवा घंटा बैठे हैं, हम और सीएम साहब 8 बार, और ये सवा घंटा मतलब अधिकतम बता रहा, कभी 15 मिनट कभी 10 मिनट, एक बार तो सवा घंटा। शुरू में तो ये बातें थी कि आपको टिकट देंगे, आप आ जाइए हो, और जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमने उनसे ये कहा कि देखिए साहब, आपके पास वहाँ लड़ने वाले सिर्फ दो ही, एक आपका वर्तमान विधायक है और एक मैं, आप जानते हैं, अब आपके पास दोनों हैं, अगर आपने कहीं धोखा कर दिया और मेरे साथ धोखा कर दिया तो क्या होगा। सुंदरिया ये आदिवासी महिला है, देवी जी की तरफ हाथ करके बोल, जो भी श्याम कहें कि हम केपी त्रिपाठी का नहीं चाहिए, आंखी से नहीं देखा चाहिए, हम उनको टिकट नहीं देंगे। भैया हमारे कहें कि और को का दई देव टिकट, तो हम सबके साथ रहा, मतलब केपी त्रिपाठी के साथ न रहा, इतनी बात ही। फिर सुराज सिंह बोले कि सुंदरिया ये गंदा आदमी को बात न करी अपना, तब फिर जल रहा गिलास माँ धोखा उठा ली, कहीं हम केपी त्रिपाठी का टिकट न दे, इतनी बात नहीं माता जी के सामने बोल रहे हैं। मंदिर के नीचे खड़े होकर आप बोल रही हैं? मंदिर के नीचे, मंदिर के सामने में खड़े हैं, माता जी हैं, ये सच बात है। ये बात उन्होंने नहीं कही कि मैं तुमको टिकट देंगे, लेकिन ये बात कही और मैंने मन में मान लिया। अभी मुझे धीरे धीरे खबर आने लगी थी कि दवा होकर के मैं धीरे धीरे, मैं 10 बार का 2 बार का विधायक की जो नेता हूँ, राजनीति का बारीक हूँ, मैं समझ गया था। मैं एक एक नेता के पास गया हूँ, बीडी शर्मा साहब के पास गया हूँ, भूपेंद्र यादव साहब के पास गया हूँ, तोमर साहब के पास गया हूँ, सीएम साहब के पास गया हूँ। हमने कहा साहब, सिमरिया की जनता को मैं मरवा नहीं डालूंगा, मैं उस पाप का भागीदार नहीं होऊंगा जहाँ लोग चिघाड़ मार रहे हैं। अभी तक तो लोग वहाँ पर तके बैठे थे कि चलो 5 साल का अत्याचार हो गया, अब किसी तरह वोट कर दी जा रहा है। एक आदमी है जुझारू, जिसने सिमरिया का विकास भी किया है, जिसने कभी किसी पर मुकदमा नहीं लगवाया, कभी कोई जातिवाद नहीं किया, कभी किसी से विवाद नहीं किया, जो बन पड़ा अच्छा ही किया, सिमरिया में विकास का काम किया है, और लोगों ने मुझे अफसर के तौर पर रख रखा था कि, और मेरा सर्वे भी अच्छा था। तो हमने कहा कि साहब, लोगों के पास एक उम्मीद थी कि चुनाव आएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा, अब अगर आपने, जो मुझे जानकारी हो रही है, उस समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में ये है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके पास में 1-2 दिन 4 दिन बस तो आपके बारे में विचार चल रहा करते करते, और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी, कि लो बेटा खा लो, जाओ अपने घर, मैं समझ गया था। अभी तो क्या, एक मिनट बोल लो, तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है,
आप हमको हल्के से मत लेना, ये आप अभी भी सोच लो। मैंने खुल के बोला है कि आप संजय द्विवेदी को टिकट दे दो, मैंने खुल के बोला है कि आप जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दे दो, यहां तक कि मैंने खुल के बोला है सामने देवी जी कि आप केपी त्रिपाठी की वाइफ को टिकट दे, किसी के परिवार से मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन ये मत करना। लेकिन अब किस्मत की जो बात है, कागजे ही हाथ में लग गया मेरे, तो क्या करोगे। अब ये गए, इनका बैग ही छूट गया कहीं, और वहां से कोई आदमी लेके इनका बैग पहुंचाने गया तो रास्ते में दिखाई दिया, जो नजरें देख लिया, तो अब क्या करो। ये नाम लिखे हुए थे उसमें चौथा से तिवारी लाल तिवारी, भले आज टिकट हो जाए, वो उस दिन की बात है जब ये जॉय लिखे थे। ये लिखे हुए थे नरेंद्र प्रजापति मनगवा से, ये गुड़ से लिखे हुए थे उसमें नागेंद्र सिंह साहब, ये उसमें लिखे हुए थे संजय द्विवेदी, केपी त्रिपाठी, नीलम मिश्रा, फिर नीलम मिश्रा में से क्रॉस, संजय त्रिपाठी, संजय द्विवेदी क्रॉस, उसमें टिक, और एक और कौन सा चौथा में याद नहीं आ रहा है, चार, हाँ। मैंने ये समझ नहीं पाया, मैं गया सीधे सीधे बात किया, नजर चुराने लगे, तो हमने कहा साहब मैं समझ गया, मैं अपने नयन सिंह तोमर के बगले गया चार दिन पहले दिल्ली, हमने कहा साहब मेरा नमस्कार लीजिएगा, मैं अब अपना रास्ता देखता हूँ। तो हमने कहा बाप हम मुझे टहलाइए मत, रहन दीजिए, भूपेंद्र सिंह यादव साहब को भी बताया, और मैंने चार दिन में प्रयास करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कमलनाथ जी से अन्य विनय किया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े छल का शिकार हो गया हूँ, ये बात सही है, मैंने गलत भी किया है, ये भी बात सही है, पूरा दोष मेरा है। उन्होंने कई लोगों के सामने, बगले के सामने बोला कि ये पहला आदमी था, अब है, जिसको 230 में से मैं पहला आदमी था जिसको मैंने मुंह में बता दिया था कि मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, और तुम्हारा सर्वे सबसे बिंद में सबसे टॉप कर सकता, और ये जरा सी बात पे उखड़ के और ऐसी गलती कर, और वो हमको एडमिट नहीं कर रहे थे, पर वो जो सर्वे की बातें थी और लोगों का जो अप्रोच था, मेरा भी उनसे जो विनती था, हमने कहा ये तो हमको ख़त्म ही कर दिए, ये जो करने जा रहे हैं, मैं राजनीति के ऐसे छल का शिकार हो गया। अंत में उन्होंने हमें एडमिट किया और उन्होंने मुझे टिकट दे दी, और मैं आज आपके सामने। अब यहाँ कैसे जो अन्य कांग्रेसी घेर रहे हैं आपको कल? नहीं कुछ नहीं, आप ये बताइए धीरू भैया कि ऐसा कौन सा पार्टी है, ऐसी कौन सी विधानसभा है जहाँ ये नहीं होता? ये हर जगह होता है, थोड़ा सा होता है, और जिसको जहाँ जो करना होता है 15 मिनट लगता है, वो 15 मिनट से 16 मिनट नहीं लगता है। तो ये लोगों ने कल किया था, इनकी कमलनाथ जी से बातचीत हो गई है, अभी मुझे जानकारी हो गई है, साहब ने इनको सबको एडजस्ट किया है, बातचीत कर ली है, और वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, और राजनीति में सब चीज़ होती रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये, आप ये बताइए कि अब ये सिरमौर जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिरमौर जीत सकती है, आपको लगता है? आप बताइए, गई जो कल तक जीत में थी समरिया, गई नहीं जीतेगी, मैं बोल रहा हूँ नहीं जीतेगी, और जीत हार का अंतर 25,000 होगा उसका, और इस बार कुछ नहीं चलेगा, 20 दिन है, ना कोई मैनेजमेंट चलेगा ना कुछ चलेगा, एक तरफ हराओ और एक तरफ बचाओ की लड़ाई चलेगी, और पूरी जनता वहाँ भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहती। मैं जनता से कहता था, अरे यार जब समस्या ही दूर हो गई, मैं टिकट ही बदले दे रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तो अब क्यों परेशान? तो बोलते हैं कि तो फिर हम अपना का वोटे काहे दे जब हमारी समस्या दूर हो गई। तो हम तो समस्या का निदान चाहते हैं, भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, और जो माल खींचा गया उसका खर्च भी करवाना चाहते हैं। जनता ही बड़ी तेज है। सीएम ने जो आपके साथ वादा खिलाफी की, हाँ, उसका जवाब कैसे देंगे, क्या है जवाब? ये जो दे रहे हैं ये क्या है? ऐसे जवाब दिया जाता है कि चिल्ला के और झगड़ा करके जवाब, ये जवाब ही ना है, ये प्रोग्राम का, हाँ, ये जवाब ही है। मेरा ये कहना है कि राजेंद्र शर्मा जी, मैं रीवा से चुनाव लड़ चुका हूँ, रीवा में राजेंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी एक ही दिक्कत थी ना कि इन्होंने मुझे इसमें बदनाम कर लिया कि राजेंद्र शुक्ला जी बहुत सौम्य आदमी हो और मैं बहुत उद्दंड आदमी हूँ, या लड़ाई झगड़ा इसी में ना, अब तो उनसे ज्यादा सौम्य चेहरा आया है ना रीवा में, पहले का जमाना जाने देना,
आज इनके पूरे जो इकोनॉमिक क्राइम है जनता सब जानती है। और इस बार अभय मिश्रा जैसे नगर निगम में लड़ा था चुनाव, नगर निगम में चुनाव लड़ा था, फिर लड़ेगा रीवा का चुनाव साथ। हाँ, भाजपा में नरम हो गए थे विधायक केपी त्रिपाठी को लेकर, जो ये पार्टी का ही मसला था, फिर उसी तरह से आक्रामक हो रहे हैं। कौन से तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसपे विधायक को आप घेरने जा रहे हैं? तीन बड़े मुद्दे बताइए भाई। बोलते जाइए जहाँ गलत। भ्रष्टाचार, 11 करोड़ पंचायत निधि का और 5 करोड़ का कागज है, 17 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। भय, भ्रष्टाचार और आतंक, और विकास के नाम पर जीरो, केवल नारियल फोड़ना, कैंची काटने के अलावा आप बता कुल काम बताओगे तो सेमरिया में एक रोड डामर की छिली है, 56 करोड़ की वो रोड है जिसका पेमेंट निकला है, मुश्किल से 25 लाख खर्चा हुआ है समरिया में, जहां मेरा कॉम्प्लेक्स बना उसके सामने आप। इसके अलावा पूरे विधानसभा में एक भी ऐसे आप काम बता दो जो स्टार्ट भी हो गए, केवल पत्थर लगा देना नहीं, पत्थर कम पड़ गए मध्य प्रदेश अपने रीवा जिले में, दुकानों में पत्थर नहीं थे, सब खरीद लिए गए, जहां देखो वहीं गाड़ दो। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा, बदलाव करने के बाद मैं क्या दूंगा, ये तो निगेटिविटी। मैं देना चाह रहा हूं सपहा से लेकर चचाई तक नहर के किनारे किनारे डामर की रोड। मैं देना चाह रहा हूं मानिकपुर सिमरिया मानिकपुर जो मैंने रोड बनवाई थी जंगल में रुकी है उसको रानीपुर से होकर मानिकपुर तक जोड़ना। मैं देना चाह रहा हूं जो सिनेमा पहाड़ है थाना के पीछे, दोनों पहाड़ों को जोड़कर एक बड़ा डैम बनवाने की योजना। मैं देना चाह रहा हूं NVDA का जो पानी प्रतापपुर तक आता है सिमरिया से कुछ दूर, उसको बरगी वाला पानी उसको लाके जरमोहरा वाले में जोड़ने की योजना। मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पर सेमरिया से जो अपनी बनकुइया रोड है जो नीलम मिश्रा कार्यकाल में बनी थी और पुल बने थे, तो मैं ये उसको 4 लाइन कराना चाहता। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।